तर लखीमपूर खेरी इथे शेतकऱ्यांसोबत झालेल्या हिंसाचारासंदर्भात देशभरातून संताप व्यक्त केला जात असताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी देखील या घटनेबद्दल संताप व्यक्त केलाय. केंद्र सरकार असो वा उत्तर प्रदेश सरकार असंवेदनशील आहे अशी भावना पवारांनी व्यक्त केली आहे. केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार हे संवेदनशील नाहीये. जालियनवाला बाग मध्ये कशी परिस्थिती झाली होती तशीच परिस्थिती इथे निर्माण झाल्याचं शरद पवारांनी म्हटलंय. तर चहूबाजून या प्रकरणावरून टीका होताना बघायला मिळतीये केंद्र सरकार आणि उत्तर प्रदेश सरकारवरती. लखीमपूर खेरी इथे शेतकऱ्यांसोबत जे झालं त्याबद्दल संताप व्यक्त होतो आणि यावरतीच शरद पवार यांनी देखील टीका करत केंद्र सरकार आणि उत्तर प्रदेश सरकारला संवेदनाहीन सरकार म्हटलंय. असंवेदनशील सरकार असल्याची टीका त्यांनी केलेली आहे आणि ही घटना म्हणजे जालियनवाला बाग मध्ये जशी घटना घडली होती तशी आहे असं पवारांनी म्हटलंय. बात अशी आहे की सरकार यहाँ का हो या उत्तर प्रदेश का हो वो संवेदनशील ही नहीं है. वहाँ किसानों की हत्या होने के बाद कम से कम एक दुख व्यक्त करने की जो बात होती है वो करने के लिए तैयार ही नहीं है. सीधा कोई प्रदर्शन करता है अपने सरकार के खिलाफ आंदोलन करता है ये हम पसंद नहीं करते. हम इसके खिलाफ सख्ती से कदम उठाएंगे. इस तरह की बात आज सामने रखने के लिए प्रयास हो रहा है. ये जालियनवाला बाग में जिस तरह से स्थिति पैदा की गई थी उस तरह की स्थिति आज उत्तर प्रदेश में हम लोग देख रहे हैं. वो इसकी जबरदस्त कीमत आज नहीं कल उन सरकार को देनी पड़ेगी. ये किसानों के ऊपर एक तरह से अपनी गाड़ी उनके ऊपर चलाकर उनको दूर करने के लिए कुछ प्रयास किए गए. इसे कुछ किसानों की हत्या हो गई और कुछ लोगों की हत्या हो गई. जो कुछ बातें सामने आती है इसमें 6 से 8 के आसपास जिस प्रदर्शन में किसान की जान गई और इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार में बैठने वाले लोगों की या उत्तर प्रदेश में जो उनकी हुकूमत है इसमें बैठने वाले लोगों की पूरी पूरी है. 26 जनवरी को जब किसानों ने यहाँ दिल्ली में आकर प्रदर्शन करने की कोशिश की तब उनके ऊपर एक दुखित हमला किया गया कि जिसकी रिएक्शन पूरे देश में थी. और जब मौका मिले तो देश के किसान शांति और से कहीं ना कहीं प्रदर्शन करने के लिए कोशिश करता है. प्रजातंत्र में शांति से अपनी राय सामने रखने का अधिकार है और वही अधिकार लखीमपुर में किसानों ने लेकर वहाँ प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा होने की नीति तय की थी.